पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट क्यों है? पुलिस ने तो ये बोल दिया कि भाई उसका नाम पता जाना है, एड्रेस जाना है उसका, कुछ मारने वाले का, मारने वाला एड्रेस जाना, तो मैं उनको ले आता था। इनको मेरे को पता था, मैं पकड़ के लिया और मैं दरखास्त की दूर। ये लोग सारे चोर के अंडे हम के सारे जाने थोड़े अंडा, हम तो डैडी का टाइम पास है, कौन गिने चुने पाऊंगे? प्रशासन नहीं बेरा है, रोज की पकड़ के लिया से हमने लिया की दिखाओ, हम बता देंगे हाइयो से है। उनके बाद फिर भी उन्हें खुला छोड़ देंगे 10 दिन पास है, फिर वो काम करे, कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। सारे भान भैया राम राम भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापत शिवानी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज भाई। एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, शिवानी के वार्ड नंबर 9 में फिलहाल आप पहुंचे हैं। शिवानी मंडी में जो है वो दिन प्रतिदिन वारदात बढ़ती जान लग रही है। जो चोर है, लुटेरे हैं, उचक्के हैं, उनके हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जान लग रहे हैं। शिवानी में हर दिन यानी कोई ना कोई घटना सामने आवे, आज फलानी जगह चोरी होगी, आज फलानी जगह लूटमार होगी, आज फलानी जगह यो कांड हो गया। लेकिन ये छोटे बदमाश है भाई, जो नशेड़ी पतेड़ी है, जो अपने फायदे के लिए आम आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन जो है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इनके ऊपर नकेल कसी जावे। और जितने मतलब ये भाई संदीप अपने साथ मौजूद है, इसके साथ रात को वारदात घटी गई है, ये अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे थे, गाड़ी लेकर के आ रहे, रस्ते में दो बंदे इनको मिले, इनसे आप सारी बातचीत करांगे। आप इस वीडियो में ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि प्रशासन के कानों पर भी जोर रहेंगे। और संदीप भाई साहब इनके साथ वारदात हुई है, इनके सिर पर आप देख सको चोट लग रही है, इनके मतलब चोट भी लगी है। तो इन्होंने 112 नंबर डायल कराया, पुलिस के पास फोन कराया, तो मौके से यही जवाब मिला कि हम बाहर हैं, हम आ नहीं सकते। तो इनसे आप पूरी बातचीत करांगे, आप इस वीडियो ज्यादा शेयर करियो। राम राम संदीप भाई। राम राम। मतलब क्या कहानी घटी आपके साथ, किस तरह की घटना हुई, पूरा विस्तार से जानकारी। मैं शाम को काम करके मैं गाड़ी चलाता हूँ, टेम्पो मेरे पास, मैं घर आ रहा था, तो 8 नंबर वार्ड में मुझे एक लड़का मिला, पहले गाड़ी के पास आया, उन्होंने गाड़ी मेरी रुकवाई, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे। मैं कहा भाई कौन है तू, किससे किस चीज के पैसे? तो उसने ताके मेरी खोल के बोले जितने हैं तेरे पास दे दे, बोले उतने, जबरदस्ती करने लगा पैसे के लिए मेरे पास। उसने मेरी ताकी खोल दी, मतलब ताकी छोड़ दे, तो वो ताकी छोड़ दी को ना, मैं नीचे उतर के, मैं कहा भाई तू नहरा हट ले, मेरे से क्यों कड़बात करे तू। इतने देर में उसका पीछे कोई एक बंदा और लुक रहा था, किसी घर के आगे लुक रहा, जो मुझे दिखाई नहीं दिया, उसने पीछे आके मेरे जान लठ मारा, लठ मार दिया। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो उसने भी कोई नाली में कुछ गिर रखा था डंडा, वो उठा के मैं उसकी साइड द्वारा रखा था, उसने मेरे यहाँ पे मारा, यहाँ भी टक कह रहे हैं, यहाँ भी टक कह रहे हैं। कितनी चोट ली, कितने टाइम कह रहे हैं? टक के 1-5 एक साइड आ रहे हैं, 4 एक साइड आ रहे हैं, 9 टक कह रहे टोटल। फिर आपने मौके पर पुलिस के पास फोन कराया? पुलिस के पास पहले उनसे हत्या पारी कर छुटवाया मैंने, 10-15 मैंने आवाज दी, वहां से कोई नहीं निकला एक बार, तो फिर उनसे पीछा छुटवा के मैं बाहर दूर भागा गाड़ी से। उनने गाड़ी में भी देखने की कोशिश करी, तो इतनी बार मैंने 2 भाठे बगाए, भाई भाग जा यहाँ से। इन देर में जो पड़ोसी आए, फिर वे भाग गए, एक ने भागते हुए नाम लिया था कालू भागले। हाँ, कालू भागले। फिर वे जो बाल्मीकि तरफ गली जाती है उस तरफ भी भाग गए। मेरे सिर में चोट, मेरा खून बहुत, काफी खून निकला था। तो मतलब आप उनको पहचान नहीं पाए मौके पे, भी कौन है बंदे वो? नहीं पहचान, मैं तो जानता ही नहीं भाई, शकल देख ली थी ना, को डाठा मार रहा था, शकल देख ली, शकल देख के पहचान सकूं, हाँ ये बंदा है। अब अगर आपके सामने आ जाए तो आप पहचान सकते हो भाई एक बंदा? पहचान सकता हूँ मैं, एक बंदे को पहचान सकता हूँ, जो पीछे से लठ मार था उसका नहीं पहचान सकता, उसका नाम कालू ले रहा था वो, और जो सामने था मेरे मैं उसको पहचान लूंगा, हाँ ये बंदा है, मेरे को आ जाए तो सामने। आपका चोट चोट मारी है, आपके पास कुछ पैसे भी लूटे? मेरे गोद में 4,000 रुपये, ये मेरे से खोज, ये मेरा फोन था गाड़ी के अंदर, वो नहीं फोन भी खोसा रही, 4,000 मेरे ले गए। और उसने बाद में भी आगे जो पड़ोसी, तो भी भाग निकले। उसके बाद में पड़ोसी ने मेरे यहाँ पर वो बंद अंगोछा, मेरा अंगोछा बंद के, फिर उनने एक और आया वो वहां से जो पंजाबी था, वो भी बोला वारदात मेरे साथ होनी थी भाई, वो पहला भी एक जने साथ करने की कोशिश करते, भी पेंडा सुटा गए थे मेरे पास, स्टार्टिंग में नॉर्मली सी पैसा आए हुए। उसके बाद में उन्हें छिना झपटा स्टार्ट कराया, नहीं पहले मेरे को पता तो मैं ही भाग जाता। उसके बाद में फिर मैंने 112 पे कॉल की, 112 पे कॉल करने के बाद उनका फोन आया, भाई एक तो लाइन बिजी है और एक हम झुप्पे हैं, तो उसके बाद मैंने भाई बिजी हो, तो फिर मैंने फोन काट दिया उनका। फिर मैंने घर से बुलाया भाई को, वो 10 मिनट में वो आया, एक दो बार उसने फोन नहीं उठाया, रात का टाइम हो गया था, वो कहीं काम कुम लग रहा था, 10 मिनट के बाद वो आया। उसके बाद में फिर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उस वहां पे जाने के बाद उनने वो बोला भाई को मामला किस तरह है, तो मैंने बताया नू हो गया था, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बाद उन टक्का टुक्का लाया, तभी उनके फोन आने लग रहा 112 का, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? मैं कहा टक्का लगा लेने दे, पूरे सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ आजकल अपने बहुत ही कम है, जावा तो जावांगे तो फिर रेफर करेंगे बहनी, इतने मेरा ज्यादा खून निकल रहा था। तो मैं उन्होंने बोला यह भी एक बहुत बड़ी बात है भाई, सरकारी हॉस्पिटल में आप जावा तो वहाँ भी स्टाफ की कमी मिलती है, और देखते हैं मतलब मरीज को रेफर करने की कोशिश करते हैं, फिर क्या हुआ भैया? फिर मैंने ये सोचा भाई प्राइवेट में टक्के तो लगवा लिया, एक मिनट टक्का लगवाया मैं, खून तो रुक जा। फिर वो एम्बुलेंस वो 112 वाले भी मेरे पास आ गए, तो नू लिया कौन था वहां पे, कैमरे थे नू थे, मैं कैमरे मेरी गाड़ी में तो लग रहे, कौन उड़ होंगे तुम देखो वारदात, तो जाके
और नहीं फिर वो कैब पकड़ के ले आओ तो मेरे साथ में चलो, बोले MLR कटवाने पड़ेगा, MLR में खाई प्राइवेट वाला तो प्राइवेट डॉक्टर बैठे बेचारा उठक के लगा दे आजकल MLR उनकी मानने को नहीं होगी भाई देवों को डर दे तड़का उन पे व्याधि हो इस चक्कर में भी कौन देव है या भी कोई सुविधा कौन दे रखी। फिर वो नूला तू उसमें चल सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में उठक के ना लगा होगा तो फिर वो बहने का फर लिखा इतने मेरा खून निकल जा रहा ना, फिर वो आपके हिसाब से कुछ लिखा भी चले गए। ये मुझे सुबह दिन में होश आया तो मैं थाना में गया था, थाना में जाने के बाद में उन्हें की वारदात कल की एक और आ रही थी भाई, उन्हें कोई एम्बुलेंस का फोड़ा है जो उन्हें फोड़ा किसी ने फोड़ा जो भी उन्हें मैं अपने लिखवा क्या हूँ भाई इतने बजे मैं आ गया था इतने मेरे रती छीन लिए, इसके कार्रवाई के थ्रू ये भी देखना चाहिए भी टाइम भी गणा कुछ नहीं होता 9:30-10 बजे करीब है, आम आदमी दुकान दुकान बढ़ा के उस टाइम आएगा, बस का भी टाइम होता है ट्रेनों का टाइम भी होता है तो इसका मतलब फिर घर तक कोई जा ही नहीं सकता रास्ते में लूट खसोटे होगी तो। अच्छा भाई संदीप भाई पुलिस फिलहाल के कार्रवाई कर रही है, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो या नहीं? पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट क्यों, पुलिस ने तो ये बोल दिया कि भाई उसका नाम पता जाना है एड्रेस जाना है उसका, कुछ मारने वाले का मारने वाला एड्रेस जाना तो मैं उनको ले आता साथ में ही ले आता, उनको मेरे को पता था मैं पकड़ के लिया और मैं दरखास्त की दूर ये लोग सारे चोर चेक के अंडे वाम के सारे जाने थोड़े अंडा हम तो दैडी करके टाइम पास करा। प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहोगे? प्रशासन ये मांग करना चाहूँ एक सख्त उनकी कार्रवाई हो, ये घने कौन गिने चुने पाऊंगे प्रशासन नहीं बेरा से रोज की पकड़ के लिया से हमने लिया की दिखाओ हम बता देंगे हाइयो से है उनके बाद फिर भी उन्हें खुला छोड़ देंगे 10 दिन पछे भी फिर वो काम करेंगे, कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ और जो पैसे है मेरे उनकी भरपाई हुआ है पैसे और भरपाई है सिर में नुकसान हो रहा है मैं दिहाड़ी करना था 15 दिन का 20 दिन का यो बैठ की बैठ गई है। तो भाई दिहाड़ी मजदूरी करनी आदमी है 4-5 हजार रुपए तो इनके पास छीनने की कोशिश करी गई है और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान लगता है भाई ये कि पुलिस के पास इन्होंने फोन किया 112 नंबर पर डायल किया, ऐसे तो पुलिस बड़े बड़े नारे दे रही है कि सेवा सुरक्षा और सहयोग, लेकिन जिस समय आम नागरिक को जरूरत पड़ती है उस समय सेवा सुरक्षा और सहयोग कर चल जाए भाई। तो भाई साहब की यही मांग है कि जो छीना झपटी करके इनसे 5-7 हजार रुपए जो इनके पास थे वो छीने हैं, 4 हजार रुपए थे, 4 हजार रुपए इनके पास थे वो छीने हैं, वो इनके वापस दिवाई जावे, इनकी जो मतलब दिहाड़ी मजदूरी करनी आदि है भाई इनकी भरपाई करी जावे और जो चोट लागी भाई हो तो इनका दर्द हो गया तो सहना पड़ेगा, लेकिन सरकार को चाहिए प्रशासन को चाहिए कि उन पर नकेल कसनी चाहिए क्योंकि छोटे चोर हैं, चोर उचक्के जो है नशेड़ी पतेड़ी है जो अपने नशे पते की भरपाई करने के लिए आम नागरिक को परेशान करते हैं। तो भाई आप लोग इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर ग्रुप में डालियो ताकि शासन और प्रशासन तक ये आवाज पहुंचे और इन नशेड़ियों पर इन चोर उचक्कों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो भाई क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर, अगली वीडियो मिलेंगे फिर। NPS न्यूज के लिए कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ नरसिंह प्रजापत की रिपोर्ट।